नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है ममिता सहनी कुकिंग चैनल में। तो आज हम बहुत बेहतरीन नए रेसिपी के साथ आए हुए हैं, तो जी वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मेरे वीडियो आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोग के कैसी लगती है। तो आइए हम बता देते हैं आज बनाने वाले हैं क्या बहुत बढ़िया रेसिपी। तो ले लिए हैं 2 शकरकंद, इसको कोन भी बोला जाता है, शकरकंद भी बोला जाता है, और जगह क्या क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता है, मगर मुझे पता है उतना बता रहे हैं। तो इसको एक भाषा में रतालू भी बोला जाता है इसको। तो दोई ले लिए हैं फ्रेश धोकर पूरा। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीका से हम बहुत कम सामान से खीर बनाने वाले हैं आज, एकदम से ना बहुत बढ़िया हेल्दी तरीका से। तो सबसे तो पहले इसको हम साइड में रखते हैं और सामान इसमें हम दिखाते हैं क्या डालेंगे इस खीर में। अभी इस खीर में डालने के लिए दूध लिए हैं पूरा फुल क्रीम, ये दूध है पूरा 1/2 लीटर के करीब लिए हैं, और घी है और चीनी है ये पूरा 200 ग्राम के करीब, और 2 इलायची है। यही डालकर हम जो शकरकंद के खीर है बनाएंगे बहुत बेहतरीन तरीका से। तो इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले जो शकरकंद है इसको हम छिलका जो है उतार लेते हैं। ये देखिए कितना आसानी से उतार देते हैं पूरा ये जो शकरकंद, और कौन इसको बोला जाता है यहाँ पर हमारे भाषा में। तो इसको छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। एक इसमें के जो सफ़ेद वाला होता है वो होता है, ये पूरा कितना दिन में तैयार होता है ये भी बता देते हैं खेत में। तो ये पूरा 60 दिन में तैयार हो जाता है 2 महीने में, और जो सफ़ेद वाला होता है वो 3 से 4 महीना लग जाता है उसको तैयार होने में। तो ऐसा ही छील लेते हैं पूरा अच्छे से। बहुत टेस्टी लगता है यकीन मानिएगा, बहुत बढ़िया रहता है, एक व्रत में भी बनाकर आप खा सकते हैं इसको। तेल लीजिए, छील लिए, जितना छिलका है सारा यहाँ से हटा लेते हैं। तब इसको बढ़िया से छील कर इसको फिर से धो लिए हैं। अब ऐसा लेते हैं ग्रेटर, इसमें रखते हैं साइड में, बहुत आसानी से पूरा ग्रेट हो जाता है। तो ये देखिए पूरा कितना बढ़िया से बारीक बारीक हो गया है। तो ऐसा ही पूरा कर लेते हैं। अच्छे से पूरा इसको घिस लेते हैं। तो ये लीजिए पूरा जो शकरकंद है पूरा ग्रेट कर लिए हैं, अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना पतला पतला है। अब इसको हम साइड में रखते हैं, अब चलते हैं बनाने के लिए। इसको पैन रख लिए हैं गैस पर, अब इसमें घी हम डाल लेते हैं। बढ़िया से इसको पघिलने देते हैं घी को। पूरा जितना घी है सारा डाल लेते हैं इसमें। अब घी अच्छे से पूरा मेल्ट हो गया है, अब इसमें जो शकरकंद है ये हम डाल लेते हैं। डालकर बढ़िया से इसको
दो मिनट के लिए थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। तो ये लीजिए, दो मिनट इसको भून लिए हैं घी में चलाते हुए। ये सस्पेन जो है पेन नया लिए थे, इसलिए सोचे कि थोड़ा कुछ इसमें हम मीठा बना दें। कोई भी बर्तन लेते हैं हम तो इसमें पहले सबसे पहले मिठाई बनाते हैं। तो अच्छे से देखिए पूरा दो से तीन मिनट भूनते हुए कितना बढ़िया से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम जो दूध है इसको डाल लेते हैं, इसी में मलाई सहित दूध का डालकर बढ़िया से इसको चलाते हुए मिला लेते हैं। अब इसको एक उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद से इसमें हम चीनी डालेंगे। तो ये देखिए इसमें एक उबाल आ गया है, थोड़ा सा गैस को लो कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल लेते हैं कूटा हुआ इलायची, डालकर बढ़िया से इसको चलाते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है, शकरकंद की खीर बहुत अच्छा लगता है, बनाकर ज़रूर खाइएगा। व्रत में तो जो व्रत होता है उसमें खीर स्पेशल होता है, कभी भी हम लोग बनाकर खाते हैं, आप भी खाइएगा। तब डाल लेते हैं हम चीनी, तो यहीं पर चीनी को डाल लेते हैं। डालकर अच्छे से इसको चलाते हुए मिला लेते हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं येलो फूड कलर, तो आप लाइक करते हैं तो डालिएगा, नहीं लाइक करते हैं तो मत डालिएगा। इसका बगैर भी आप बना सकते हैं। थोड़ा हम कलर के लिए डाल रहे हैं, इसका जगह पर आप केसर भी डाल सकते हैं। तो डालकर अच्छे से इसको पूरा चलाते हुए मिला लेते हैं। लगातार चलाते हुए इसको पूरा 10 से 12 मिनट इसको समय लगता है पकने में, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको पकने में, क्योंकि जो शकरगंज है इसको ग्रेट करके लिए हैं तो खुद बारीक पर बारीक निकला है, तो जल्दी से पक भी जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। तो अच्छे से लगातार चलाते हुए इसको पका लेते हैं 10 से 12 मिनट। अब जो शकरगंज है इसको डालकर दूध में पकाते हुए पूरा 4 मिनट हो गया है। 4 मिनट बाद ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, पूरा पकाते हुए 8 मिनट हो गया है। 8 मिनट ये देखिए ऐसा पर ये आ गया है। थोड़ा सा और इसको हम 4 मिनट 4 से 5 मिनट और पका लेते हैं। आप चाहिए तो पतला खाना चाहते हैं तो आप इसी स्टेज पर रहने दें, नहीं तो थोड़ा गाढ़ा खाना चाहते हैं तो और 4 से 5 मिनट पका लीजिए। तो हम भी पका लेते हैं और 5 मिनट इसको। अब यहीं पर डाल लेते हैं एक चम्मच बादाम के टुकड़ा, तो डालकर अच्छे से इसको चला लेते हैं। ये देखिए पूरा जो है खीर है गाढ़ी हो गई है, शकरगंज की खीर। और 2 मिनट थोड़ा सा इसको हम पका लेते हैं। 10 से 12 मिनट बाद ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ी है खीर है हो गई है। अब गैस को यहीं पर इसको हम बंद कर लेते हैं। ये देखिए आपको हम सर्व करके दिखाते हैं कितना बढ़िया ये शकरकंद के खीर बनकर तैयार हुआ है। तो ये लीजिए हमारा पूरा शकरकंद के खीर है बनकर गर्मा गर्म तैयारी। देखिए दिख रहे होंगे कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये लीजिए एकदम से ना पूरा गर्मा गर्म है तैयार हो गया है शकरकंद के खीर। पूरा हम आपको पास से दिखाते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो ये लीजिए पूरा हमारा जो शकरकंद के खीर है बनकर तैयार है। ये देखिए दिख रहे होंगे कितना बढ़िया दिख रहा है, और आपको हम पास से दिखा देते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों पास से दिखा रहे हैं, दिख रहे होंगे कितना बढ़िया दिख रहा है। अगर दोस्तों ये शकरकंद के खीर वाला रेसिपी
आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोग के कैसी लगती है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।